वीएफ सेंटर कनाडा के कब खुलेंगे वो हम जाके वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं, वो आप भी जाके चेक कर सकते हैं, और उसे कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम वीएफ क्लोवर की साइट पर गए हम, आगे हमने स्टार्ट करा। यहाँ आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि वीएफ क्लोवर कब खुलेंगे। अब जैसे मैं इंडिया में हूँ, दोबारा से मैं भर जाती हूँ कैनेडा, यहाँ आया और एक बार फिर हम भर देते हैं इंडिया और इसे क्लिक करिए। आप यहाँ अभी बंद है कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। आगे हम चलते हैं कि जैसे मैं और कोई कंट्री है, जैसे श्रीलंका में ये खुले हैं कि नहीं खुले हैं। यहाँ पर भी अभी क्लोज हैं रिमेनिंग फर्दर नोटिस तक, ये आपके जाके चेक कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं ये इसको क्लिक करते हैं और कनाडा के लिए जाना है। यहाँ खुल चुके हैं टेम्प्रेरी रिडक ओपनली, इनका जो है आवर्स कम कर दिए हैं, पर मोस्टली इनका खुल चुका है, आवर्स थोड़े कम कर दिए हैं। ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। आगे हम और कोई कंट्री से अप्लाई करते हैं, जैसे इंडिया टू श्रीलंका। अब जैसे हम काफ़ी कंट्री हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं, साइप्रस। ये थोड़ा एग्जांपल है कि आपको पता लगे। वेबसाइट्स मोस्टली अभी बंद ही हैं क्योंकि COVID-19 करके। अब जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या चेक रिपब्लिक क्लिक कर देते हैं, ये सारे यहाँ नोटिस आते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए ले लेते हैं हम, तो मोस्टली वैसे ई वीज़ा देती हैं, ये आप खुद जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।